हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश और आज हम लोग देखने वाले हैं बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर। बीएससी नर्सिंग का पचवां सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ाई करनी है और किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी होंगे और कितने नंबर के क्वेश्चन पेपर आपको इंटरनल देंगे, ठीक है ना। तो इसमें समझते हैं, सबसे पहले हमारा जो बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर का है, सबसे पहला बुक है हमारा आपको चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट ये और मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, ये दोनों का सिर्फ इंटरनल एग्जामिनेशन होना है, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं होगा। इसमें सिर्फ आपको इस सेमेस्टर में क्या करना है, फिफ्थ सेमेस्टर में इसके बारे में सिर्फ आपको पढ़ना है, जिसमें इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे 25-25 नंबर के आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में एक किताब पढ़े होंगे, ठीक है ना, नर्सिंग एथिक्स के बारे में, नर्सिंग बायोस्टेटिक्स के बारे में, और उसी में साथ में आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का भी, इसमें तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को, नर्सिंग बिहेवियर्स को, नर्सिंग रूल्स को, लॉ को इसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। साथ में है आपका नर्सिंग रिसर्च एंड एस्थेटिक। ये दोनों आप समझ लीजिए कि जो इस साल जितना भी मस्ती किए होंगे हमेशा, इस सेमेस्टर में आपको मस्ती बहुत कम करना होगा। रीजन है कि ये दोनों ही बहुत ही टफ नर्सिंग सब्जेक्ट का अगर कहा जाए तो इसमें बहुत कम बच्चे को पढ़ने में मन लगता है, ठीक है ना। ये दोनों सब्जेक्ट यानी कि फिफ्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए ये, और यही दोनों का ही सिर्फ 75-75 का, 3-3 घंटा का यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन होना है। इसको सेपरेट इसलिए भी कर दिया गया है न्यू गाइडलाइंस के अनुसार, क्योंकि इसमें ना बहुत ही ज़्यादा बच्चे फेल होते थे नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में, और दूसरा है आपका नर्सिंग रिसर्च एंड एस्थेटिक्स में बहुत ही बच्चे फेल होते हैं। रिसर्च चैप्टर में बहुत ही, टीचर्स को भी है, जब हम लोग कॉपी चेक करने भी जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है, ठीक है ना, रिसर्च एंड एस्थेटिक्स में, ठीक है ना। ग्राफ करना है आपको, ठीक है ना, न्यू रिसर्च के बारे में बहुत ज़्यादा असाइनमेंट होता है इसमें, ठीक है ना, एक्स्ट्रा वर्क भी बहुत इसमें बढ़ जाता है। इसमें 25 मार्क्स दोनों का इंटरनल होगा और 75-75 का एक्सटर्नल होगा, 3-3 घंटा का, टोटल 100 नंबर का, यही दोनों आपका है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। आप लोग बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में इसकी पढ़ाई कर चुके हैं, ठीक है ना, हेल्थ नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस में, और ये चीज़ें जो है आप पढ़ चुके हैं कब, बीएससी नर्सिंग सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है ना। सेकेंड और थर्ड में पढ़ाया गया था लेकिन एग्जाम नहीं लिया गया था, वो सिर्फ इंटरनल एग्जामिनेशन था। अब इसमें क्या होगा, आपको 25-25 फिर है तो दोनों कॉलेज में, ठीक है ना, 50-50 मार्क्स था, लेकिन अब ये इन मार्कशीट पर भी आपको आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन अब इसमें देखिए, फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉ, इस किताब में क्या पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक मेडिसिन, जिसे क्या कहते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। इसको पढ़ने से आप क्या बनिएगा, इस चीज को पहले समझ लीजिए। फॉरेंसिक टीम में एक सीरियल आता है, क्या आता है, सीआईडी में एक डॉक्टर है, डॉक्टर सालूम के करके, ठीक है ना, वो क्या है, एक फॉरेंसिक टीम, फॉरेंसिक है वो, फॉरेंसिक वो डॉक्टर है, उन्हीं के अंडर में कहीं भी आपको कोई भी चीज़, जैसे कि अभी सभी जगह कहीं मर्डर स्पॉट भी है तो डॉक्टर जाते हैं, फॉरेंसिक टीम जाती है, साथ में फॉरेंसिक नर्सिंग भी जाती है, वो आपको एज ए होल लॉ एथिक्स के साथ साथ, ठीक है ना, वहाँ पर क्या फिंगरप्रिंट कलेक्ट करना, हेयर फॉलिकल्स, डीएनए मटेरियल कहीं है, अगर फिंगर टच है, कहीं कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है ना, उसको पर्सपायरेशन, सीमेन सब कलेक्ट करके, और फॉरेंसिक टीम का ही काम है, ये नर्सिंग टीम का ही काम है वहाँ, डॉक्टर और टीम का, जो ये फॉरेंसिक जांच करने के लिए कि कहाँ पर मेल है, फीमेल है, कैसे, ये सब चीज़ इसी बुक से आपको इंट्रोड्यूस किया, ये मेल स्केलेटन है, फीमेल स्केलेटन है, आइडेंटिटी, हर चीज़ यहाँ पर आपको पता चल जाएगा किस साल में कितना का है, यानी कि फॉरेंसिक टीम, एक समझिए कि फॉरेंसिक डॉक्टर और इंस्पेक्टर पुलिस की तरह ही लॉ में रह करके काम करेंगे। तो वो सब चीज़ें कहाँ पढ़ेंगे हम लोग, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉ के बारे में। इसका भी आपको इंटरनल सिर्फ एग्जामिनेशंस है, प्रोफेशनलिज्म, और इसमें आकर के आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, प्रैक्टिकल सिर्फ दो सब्जेक्ट का होना है, प्रैक्टिकल सिर्फ दो सब्जेक्ट का, कौन कौन,
चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसका साइकोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर में जो साइकोलॉजी अच्छा से पढ़ा होगा उसका मेंटल हेल्थ नर्सिंग एकदम क्लियर होगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी पढ़ने में, ठीक है ना। और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग ये पीडियाट्रिक्स जिसको कहते हैं, ठीक है ना, तो इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो ये था हम लोगों का बीएससी नर्सिंग फिफ्थ सेमेस्टर में कौन कौन से आपको दो पेपर यूनिवर्सिटी में जाकर के देना है तीन तीन घंटा का, और बाकी सब क्या है इंटरनल एग्जामिनेशन ही है। साथ में दो गो जो एग्जाम है इसका आपका इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी और इंट्रोडक्शन फॉरेंसिक का, ये दो बार एग्जाम देना है। जब सेमेस्टर शुरू होगा उसके कुछ ही दिन बाद, जब आधा पढ़ाई हो जाएगा, जब एग्जाम यूनिवर्सिटी देने जाएगा उससे पहले आपको 25-25 मार्च का यूनिवर्सिटी एग्जाम, ये दोनों का कॉपी आपको यूनिवर्सिटी भी भेजना होता है। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि इस ईयर में कौन सा बुक प्रीव्यू, बुक का प्रीव्यू देखते हैं कि कौन कौन से बुक कैसा दिखता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, और है दूसरा हमारा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट, उसके बाद एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड नर्सिंग एजुकेशन, आपको हम पहले भी कहते हैं इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी भी आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये भी रहेगा, इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग एंड इंडियन लॉस के बारे में बताए थे आपको कि कोई भी फॉरेंसिक जांच करनी है किस वजह से डेथ हुआ है, कॉज ऑफ डेथ निकालना है, ठीक है ना। किसी भी आरटीए का केस है तो उसमें कौन सा ऑर्गेन है, कहाँ पर डैमेज हुआ, कितना एक्सीडेंट है, ये सब चीज़ें का भी मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग मेडिकल ऑफिसर जब बनिएगा आपको तो फॉरेंसिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में अपना आपका है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, इस साल में आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, इसके बारे में एग्जाम जो होंगे वो सिक्स सेमेस्टर में होंगे, ठीक है। तो ये इतने हैं हमारे प्रीव्यू बुक के, जो सबसे अच्छी बुक है जो आईएनसी से जितने भी अप्रूव्ड बुक हैं वो यही सब कुछ पढ़ना है। तो हम लोगों ने देखा फिफ्थ सेमेस्टर का जो भी बुक था और किस इस सेमेस्टर में क्या क्या किस किस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, कितने इंटरनल मार्क्स हैं और कितने एक्सटर्नल मार्क्स हैं। अगले वीडियो में हम लोग सिक्स सेमेस्टर का देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।